पंडित सुखराम ने मतदान कर दिया है मंडी लोकसभा सीट, सबकी नजरें इस पर है। परिवार सहित मतदान किया है, सबको मालूम है अनिल शर्मा को लेकर किस तरह की राजनीति हुई थी और बड़े बड़े आरोप लगाए थे अनिल शर्मा ने भी और उन पर भी लगे थे बेटे अनिल शर्मा, और साथ ही अनिल शर्मा के बेटे जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से आश्रय शर्मा ने भी वोट डाला, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मंडी लोकसभा सीट थे। पंडित सुखराम जो कि अपने आप में हिमाचल राजनीति में बहुत बड़ा ओहदा रखे हुए थे, उनका नाम बड़ा है, परिवार सहित मतदान किया है, सभी हिमाचल वासी उन्हें अच्छे से जानते हैं। बेटे अनिल शर्मा और पोते आश्रय शर्मा के साथ उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल यहां पर किया है। आश्रय शर्मा जैसे कि मैंने बताया कि मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है राम स्वरूप शर्मा यानी शर्मा वर्सेस शर्मा की लड़ाई है। और एक तरफ जहां सीएम जयराम ठाकुर पूरी कोशिश में जुटे थे प्रचार के दौरान कि किसी भी तरह राम स्वरूप शर्मा का पक्ष मजबूत किया जा सके, तो वहीं अपने पद से इस्तीफा देते भी नजर आए थे अनिल शर्मा जो कि मंत्री थे, अच्छा खासा उनके पास ओहदा था, एक बड़ा पोर्टफोलियो था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तस्वीरें देखिए आप, अनिल शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे, पंडित सुखराम आपको दिखाई दे रहे होंगे, आश्रय शर्मा, पूरा परिवार एक साथ आया वोट करने के लिए। अनिल शर्मा ने काफी सुर्खियां बटोरी, मंत्री पद भी त्याग दिया था, कहा यह गया कि पुत्रमोह में ऐसा सब कुछ किया गया था, बीजेपी ने आरोप लगाया, खुद सीएम जयराम ठाकुर भी ऐसा कहते नजर आए थे खबरों तक से खास बातचीत में भी, लेकिन बाद में अनिल शर्मा ने कहा कि जो मेरे मन की बात थी जो मैंने किया पार्टी के साथ था लेकिन पार्टी ने तवज्जो नहीं दी तो उसके बाद इस तरह करना पड़ा। आरोप ये भी लगे कि टिकट को लेकर यह सब किया गया था इसलिए पार्टी को भी छोड़ा गया। पंडित सुखराम ने पहले टिकट मांगी थी अपने पोते के लिए लेकिन बाद में नहीं दी गई तो कांग्रेस की शरण में चले गए, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन फिलहाल ये बातें पुरानी हो चुकी है, नया दौर अब यही है कि वोटिंग है, वोटिंग वाले दिन किस तरह से वोटर वोट कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं, क्या उनके मन में मुद्दे हैं उसको लेकर वोट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे 23 मई को आएंगे।